हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ऑफ एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ये देखेंगे कि ये ग्लोबल वार्मिंग से कैसे रिलेटेड है। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और जंगल खत्म हो रहे हैं, साथ ही वन्य जीवन यानी कि वाइल्ड लाइफ भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तो यह स्पष्ट है कि मनुष्यों ने पिछली शताब्दी में हुई ग्लोबल वार्मिंग को हीट ट्रैपिंग गैसों को छोड़कर पैदा किया है। उनका स्तर पिछले 800,000 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक है। हम अक्सर इस परिणाम को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, लेकिन यह पृथ्वी की जलवायु में बदलाव का कारण बन रहा है। इस ह्यूमन कॉज्ड वार्मिंग को धीमा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उन परिवर्तनों से कैसे निपटेंगे जिन्हें हमने पहले ही स्थापित कर दिया है? जबकि हम यह सब पता लगाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उस समय भी पृथ्वी का भाग्य खतरे में है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब होती है जब पृथ्वी के वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। यह प्रोसेस पृथ्वी को गर्म बनाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी को रहने के लिए आरामदायक जगह बनाता है। ग्रीन हाउस कांच की दीवारों और कांच की छत वाली एक इमारत होती है, जिसका उपयोग टमाटर और ट्रॉपिकल फ्लावर्स जैसे पौधों को उगाने के लिए भी किया जाता है। एक ग्रीन हाउस सर्दियों के दौरान भी अंदर से गर्म रहता है। दिन में सूरज की रोशनी ग्रीन हाउस में चमकती है और पौधों को और हवा को गर्म रखती है। रात के समय यह बाहर ठंडा होता है, लेकिन ग्रीन हाउस अंदर गर्म रहता है, क्योंकि ग्रीन हाउस के कांच की दीवारें सूर्य की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर भी ठीक उसी तरह काम करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वाटर वेपर्स जैसी गैसें ग्रीन हाउस की कांच की छत की तरह गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं। इन हीट ट्रैपिंग गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। गैसें गर्मी को अब्सॉर्ब करके और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर रेडिएट करके ऐसा करती हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना जीवन के अधिकांश फॉर्म्स के सर्वाइवल के लिए पृथ्वी बहुत ठंडी होगी। ग्रीन हाउस गैसों में विभिन्न रासायनिक गुण भी होते हैं और समय के साथ विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वातावरण से हटा भी दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उदाहरण के लिए पौधों, मिट्टी और समुद्र के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फ्लोरिनेटेड गैसेस को ऊपरी वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर दिया जाता है। कोई एक ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग को कितना प्रभावित करती है, ये तीन प्रमुख फैक्टर्स पर निर्भर करता है। पहला यह है कि इसका वातावरण में एग्जिस्टेंस कितना है। कंसंट्रेशन को पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर ट्रिलियन के रूप में मापा जाता है। उदाहरण के लिए किसी गैस के लिए 1 ppm का मतलब है हवा के हर 10 लाख मॉलिक्यूल में से उस एक गैस का एक मॉलिक्यूल होना। दूसरा फैक्टर है इसका लाइफ टाइम, कि यह गैस कितने समय तक वातावरण में रहती है। और तीसरा यह है कि गर्मी को ट्रैप करने में यह कितनी प्रभावी है। इसे इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP के रूप में जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे एक गैस 1 ton कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के बराबर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर जो 100 वर्ष है, उसमें अब्सॉर्ब करती है। दिन के दौरान सूर्य वातावरण में चमकता है, जिससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है, और रात में पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है, जिससे गर्मी वापस हवा में चली जाती है। लेकिन कुछ गर्मी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ट्रैप हो जाती है और हमारी पृथ्वी को गर्म और आरामदायक रखती है। ह्यूमन एक्टिविटीज पृथ्वी के नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को बदल रही है। कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से हमारे वातावरण में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड फैल रही है। नासा ने हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि देखी है। इनमें से बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के वायुमंडल को अधिक से अधिक गर्मी में ट्रैप का कारण बन सकती है। इससे पृथ्वी गर्म हो जाती है। नासा के अनुसार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2020 में 412 ppm है, जो 650,000 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। 1880 के बाद से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1.9 डिग्री फारेनहाइट या 3.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। 1979 में सैटेलाइट मेजरमेंट्स शुरू होने के बाद से आर्कटिक समर समुद्री बर्फ के न्यूनतम विस्तार में प्रति दशक 12.85% की गिरावट आई है। ध्रुवों पर वर्ष 2002 के बाद से लैंड आइस में 413 gigaton की गिरावट आई है। पिछली सदी में ग्लोबल समुद्र स्तर 7 inch बढ़ गया है। ग्लास के ग्रीन हाउस की तरह पृथ्वी का ग्रीन हाउस भी पौधों से भरा है। पौधे पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं। समुद्र में विशाल पेड़ों से लेकर छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स तक सभी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। समुद्र हवा में प्रेजेंट बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। दुर्भाग्य से समुद्र में बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड पानी को बदल देती है, जिससे
है वह अधिक एसिडिक हो जाता है, जो कई समुद्री जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कि शेलफिश और कोरल्स। वातावरण में बहुत अधिक ग्रीन हाउस गैसों से महासागरों का गर्म होना भी इन जीवों के लिए हानिकारक हो रहा है। गर्म पानी कोरल ब्लीचिंग का भी एक मुख्य कारण है। IPCC के अनुसार हमें 2010 के लेवल से 2030 तक ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन को 45% तक कम करना चाहिए और 2050 तक जीरो एमिशन तक पहुंचना चाहिए। IPCC के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने देने का अर्थ होगा अधिक तीव्र सूखा, अत्यधिक गर्मी, बाढ़, गरीबी, भोजन की कमी और जंगलों में आग का बढ़ना। हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमें क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाकर फ्यूल एफिशिएंट और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करके फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और पोल्यूशन को कम करना चाहिए। हमें अपने कार्बन स्टोरिंग वनों की रक्षा करनी चाहिए और भोजन की बर्बादी और इससे होने वाले एमिशन को भी कम करना चाहिए। और एक व्यक्ति के रूप में हमें अपने दैनिक जीवन में कार्बन कटिंग कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।